राजस्थान टूर में मजा आ रहा है? व्लॉग्स एंजॉयिंग कर रहे हो ना सब लोग? तो भाई आज हम नई डेस्टिनेशन, अभी रोड जर्नी नहीं, रोड जर्नी हुई फिर एक जगह फिर रोड जर्नी, और अब यहाँ हम आए हैं रात। तो चलो यार इस चैनल की एक और एक्सप्लोरेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज यश भारद्वाज हियर एंड दैट्स माय बिग ब्रो अभिमन्यु। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अनसंग ट्रैवलर्स। तो ये है यार रानी सती दादी मंदिर का एंट्रेंस मेन, जो बाहर से दिखेगा काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी ही बड़ी बिल्डिंग। अब तक जो मैंने सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी थी ऑनेस्टली बताऊँ तो वो था लखनऊ चारबाग जंक्शन, लेकिन यार ये उससे भी बड़ी है। और यहाँ पे अंदर जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब आप वीडियोज़ देखो और बस देख के घूमो, मेरा मोटिव ये है यार कि आप वीडियोस देखो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लो और फिर वहाँ जाकर घूमो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा यार। एक ही तो लाइफ है, घूमो। फिर यहाँ भी हमारा कोरोना टेम्परेचर चेक हुआ, टेम्परेचर चेक लिया हम लोगों का, मेरा ठीक आया है, सबका ठीक आया है। फिर ये टोकन हमको दिया गया है, अब पता नहीं इस टोकन का क्या काम है, पर लेकिन यार अंदर आकर यहाँ इतना अच्छी बिल्डिंग है, ये इतनी अच्छी बिल्डिंग, आप कैमरा में सिर्फ ज़्यादा नहीं देख पाओगे लेकिन जब खुद आओगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा। ये लॉबी है, इधर पार्क है साइड में छोटा सा बच्चों के लिए या बैठने के लिए सिटिंग एरिया, लॉबी, ये कमरे हैं पता नहीं किस लिए, शायद रुकने के जो लोग आते हैं उनके लिए कमरे हैं ये। और बाकी फ़िलहाल तो ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, हम लोग जनवरी का टाइम है हुए, आपको वीडियो शायद मार्च अप्रैल में मिलेगा। और ये देखिए खाली है, घास है बड़ी बड़ी, बच्चों के लिए घूमिए। और फिर अंदर आके बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ पर हम जाएंगे। भाई मास्क ज़रूरी है हर जगह, जितना भी ट्रैवल कर लो, ये हमारा यूपी नहीं है, सॉरी मैं किसी को वो ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मास्क हर स्टेट में हर जगह पहनो, स्टे सेफ, वियर अ मास्क ऑलवेज व्हेन यू आर आउटसाइड। तो यार ये है मेन रानी सती मंदिर का एंट्रेंस, भाई साहब क्या जगह है। तो यार कैमरा तो टूट गया, हम फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, गिर गया था चटक गया। अब यहाँ पे अंदर हम आए हुए हैं तो अब आगे थोड़ा सा ऑडियो इशू हो सकता है, वीडियो इशू हो सकता है, थोड़ा मैनेज कर लो। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर, ये तो फ़िलहाल बाहर का ही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग सराउंडेड है पूरी। अब यहाँ से अंदर जाएंगे, जो मेन भवन है जितना मैंने पढ़ा है, अंदर एक भवन है उसमें मूर्ति है, वहाँ चलते हैं वो दिखाते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना ओ भाई साहब। ओ भाई, टूर में दूसरी जगह हुआ है कि कैमरा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमको कैमरा अंदर नहीं ले जाने दिया। सो देखो यहाँ है ना ये वाला गेट, यहाँ से अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा ले लिया था मेरा। सो, अब मैं जल्दी से यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। ये जो रानी सती दादी जी हैं, इनका असली नाम था नारायणी देवी और इनके हस्बैंड थे टंडन जी। तो उनका एक घोड़ा था, ठीक है, तो उस घोड़े पे यहाँ के राजा के बेटे की ने उस घोड़े को देखा, उनको पसंद आया, लेकिन टंडन जी ने वो घोड़ा देने से उनको मना कर दिया।
तो उन्होंने कहा कि आओ एक युद्ध करते हैं, अगर मैं जीता तो घोड़ा मेरा। उस युद्ध में टंडन जी ने अभिमन्यु को यानी राजा के बेटे को मार दिया। उसी में गुस्सा होके वहीं पर किंग जो राजा थे वो लड़े। एक मिनट रुकना, मास्क मित्र को थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, घुटन होती है। तो उन राजा ने टंडन जी के साथ युद्ध करा और वहाँ टंडन जी मर गए। और फिर उसी के बाद नारायणी देवी वहाँ गईं, उन्होंने राजा के साथ लड़ाई करी और राजा जो थे उनको नारायणी देवी जी ने मार दिया। जी हाँ, उनको मार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने वो जो घोड़ा था उसके केयर टेकर थे राणा जी, उनको हुक्म दिया कि मैं अपने पति टंडन जी के साथ ही ज़िंदा जलूंगी, बस मेरे को और नहीं जीना, मैं उन्हीं के साथ ज़िंदा जलूंगी। और तो फिर जो राणा जी थे उनकी शौर्य गाथा से इतने प्रेरित हुए कि वो उनकी पूजा करते थे। और फिर उन्हीं ने बाद में चल के नारायणी देवी जी को नाम दिया रानी सती देवी। तो वहाँ से ये उन्हीं के ऊपर पूरा बेस्ड है मंदिर। और लोकेशन इसकी बताऊँ तो हम भिवाड़ी से आए थे और अभी झुंझुनू आए थे ना, लास्ट रोड जर्नी देखी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, चैनल पे पड़ी है, बैक टू बैक राजस्थान व्लॉग्स हैं भाई, ठीक है। वहाँ देखो, वहाँ से जस्ट ये 40 मिनट्स की दूरी पर है, ठीक है, इतनी दूरी पर है। तो आगे से आए थे, लोहारू की साइड आओगे ना तो झुंझुनू से लोहारू को जब आएंगे तब ये सिचुएटेड है रानी सती मंदिर। अब हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम दिस व्लॉग। बहुत जल्द एक नई व्लॉग, लंबा टूर है, बहुत जल्द कोशिश करूँगा, मतलब मेरे को तो अभी शूट करनी है, लेकिन एडिटिंग एंड पोस्टिंग में कितनी देर लगे पता नहीं। तो एक तो यार चलो वो बाद की बात है, एडिटिंग पोस्टिंग में टाइम, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा भाई। बैक टू ब्लैक की वीडियो देखी, थैंक्स अ लॉट, आपको थोड़ी इन्फो मिली, मेरा मतलब मैं तो करता ही यही हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाना, वीडियोज़ लाना, ऐसे ही आएंगी। पूरी वीडियो देखी, लाइक करो यार, इतना देखा भैया, लाइक कर दो इसको, लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बस और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ, और यार मास्क ज़रूर, जब भी बाहर जाओ घर से निकलो मास्क लगा के रखो। गुड बाय, सी यू वेरी सून।